रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र अपने तीसरे हफ्ते में है। नेशनल सिनेमा डे के बूते जहां शुक्रवार को इस फिल्म ने तगड़ा कलेक्शन किया, वहीं अब तीसरे सोमवार को फिल्म की कमाई तरफ्तार धीमी हो चली। देश भर में जहां फिल्मों की कुल कमाई अब 253.8 करोड़ रुपए हो गई है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में 400 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली है। इस फिल्म ने दुनिया भर में 378.98 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और इसी के साथ इसने सलमान खान की किक की कमाई को पीछे छोड़ दिया है। किक ने वर्ल्ड वाइड 377 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। ब्रह्मास्त्र के निशाने पर अब शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर है, जिसने वर्ल्ड वाइड 385 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी ब्रह्मास्त्र के कलेक्शन को लेकर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत कंफ्यूजन है। इस फिल्म की कमाई के आंकड़े बताए जा रहे हैं, जबकि असल में इस फिल्म ने देश में बॉक्स ऑफिस सभी 5 वेब वार्ताओं में सोमवार को 18वें दिन 293.8 करोड़ रुपए के नेट बिजनेस किया है। सिर्फ हिंदी वर्जन में फिल्म का नेट कलेक्शन 18 दिनों में 226.93 करोड़ रुपए हैं, जबकि देश भर में फिल्म का ग्रोस कलेक्शन 272.98 करोड़ रुपए हैं और वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 106 करोड़ रुपए हैं। इस तरह देश और विदेशों में ग्रोस कलेक्शन को मिलाकर वर्ल्ड वाइड फिल्म की कुल कमाई 378.98 करोड़ रुपए है। देसी बॉक्स ऑफिस पर 18वें दिन ब्रह्मास्त्र की कमाई देखकर यही लग रहा है कि अब कमाई की रफ्तार धीरे पड़ने वाली है। इसने तीसरे वीकेंड में शुक्रवार शनिवार रविवार को फिल्म ने कुल मिलाकर शानदार 23.12 करोड़ रुपए की कमाई की। रविवार को इस फिल्म ने सभी 5 वेबवार्ताओं में 6.30 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जबकि सोमवार को इसकी कमाई घटकर 1.96 करोड़ रुपए हो गई। नवरात्र के मौके पर ऑफर के तहत थिएटर्स में टिकट की कीमत 100 रुपए रखी गई है। ऐसे में सिनेमाघर में आने वाले दर्शकों की संख्या बढ़ी है, लेकिन कीमत कम होने के कारण कमाई कम हुई है। सोमवार को इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में 1.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इस तरह हिंदी में कुल कमाई अब 226.93 करोड़ रुपए हो गई है। पौराणिक कथाओं से प्रेरित इस साइंटिफिक फिक्शन फिल्म ब्रह्मास्त्र का बजट 410 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म भले ही 2022 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है, लेकिन इसे हिट का टैग मिलना मुश्किल है। इसके लिए फिल्म को कम से कम 450 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना होगा, जबकि 30 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही दोनों नई फिल्मों में से ब्रह्मास्त्र की कमाई को नुकसान की पूरी उम्मीद है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की विक्रम वेदा और मणिरत्नम की पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1, इन दोनों ही फिल्मों का बाजार बढ़िया माना जा रहा है। ऐसे में ब्रह्मास्त्र के पास खुलकर कमाई करने के लिए गुरुवार तक का ही वक्त है।